अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जूलॉजिकल इंफोटेनमेंट। आई एम हसैन। तो भाई मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कबूतर का फूड कैसा होना चाहिए उनकी ब्रीडिंग के लिए और उनकी सेहत ठीक रहे इसके लिए। ये हम लोग के कबूतर हैं। ये हम लोगों ने जो केजेस में थे उन लोगों को लॉफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने दो दो अंडे दिए थे, लेकिन दोनों के एक एक अंडे ख़राब थे। तो सैटिनाइट का जो पेड़ था उन लोगों का एक ख़राब वाला अंडा तो फेंक दिया हमने, और एक और उसका दूसरा अंडा दूसरे जो अम्बल सराय का पेड़ था उसमें रख दिया। और ये जो बच्चा है ये लास्ट ब्रीड में से निकला हुआ है, ये होमर का है। इसके अंडे अम्बल सराय में रख दिए थे। तो सीधे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये सबसे पहले हमको लेना है बाजरा। ये 2 किलो बाजरा है, और ये है जवारी, ये भी 2 किलो हमको लेना है। और ये जो है मसूर की दाल है, और ये वाला फूले चने की दाल है, सबसे पसंदीदा कबूतरों का फूड यही है। और ये है गेहूं, और ये घड़ है। इसके अलावा हम दूसरे दाल भी डाल सकते हैं, माश की दाल या फिर चना दाल। और हम लोगों ने कुछ काले चने भी लाए हैं, शायद से बच्चों को कबूतर के हैंड फीड की ज़रूरत पड़ी तो तब काम में आ जाएंगे। तो अब हमको सिंपल से क्या करना है कि काले चने को छोड़कर बाकी का पूरा मिक्स कर देना है। तो ये मिक्स करने के लिए हम लोगों ने एक बकेट लिया है। लास्ट टाइम भी बकेट में ही पूरा फुल रखे थे, तो 1 मंथ और 10 डेज चला था सारा फूड। तो अब के भी इंशाल्लाह उतना ही चलेगा इंशाल्लाह। उतना ही लाया है हम लोगों ने। तो चलिए मिक्स करते हैं सारे आइटम्स को। तो भाई ये बकेट और कुंडे में मिक्स करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो ये थाला लाए हैं। अब दोनों मेरे भाई मिलकर थाले में मिक्स करेंगे। हेलो, अच्छे से हमको मिक्स करना है। कौन से ग्राम सारा कुछ मिक्स हो गया। अब वो बकेट छोटी थी, इसके लिए एक वेस्ट डब्बा पड़े हुआ था इतना बड़ा। तो अब सारा इसमें डालेंगे। अब तो ये सारा कुछ मिक्स हो गया। अब एक डेमो दिखाते हैं आपको कबूतरों को डालकर। ये हो गई एक मुट्ठी। अब देखिए कितने मज़े से खाते हैं ये सब।
तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कबूतरों से अच्छी ब्रीड लेना है तो यही आपके लिए सबसे अच्छा है, बेस्ट फूड जो है सबसे अच्छा है। देखिए पूरे मज़े से खा रहे हैं लोग। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और आप भी अपने कबूतरों के लिए ऐसा ही खाना डालिए, उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो ब्रीड भी अच्छा करेंगे।